हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अजीत कुमार, नाइस इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ में ये जियो का सेटअप बॉक्स है दोस्तों, MPG2 रिसीवर। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गया है दोस्तों, इसमें लाइट नहीं आ रहा है। चलिए दोस्तों, इसको हम चेक करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इसमें लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा यहाँ पे ये इन्वर्टर है दोस्तों, इसमें हम इसको लगा देते हैं प्लग को, और प्लग को लगाने के बाद आप लोगों को दिखा देता हूँ कि यहाँ पे लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं ये स्विच है, देखिए ऑन कर दिया है मैंने, लेकिन लाइट नहीं आ रहा है। दोस्तों, इस प्रॉब्लम को हम आज एक मिनट में ठीक करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको ठीक करने के लिए आपको यहाँ पे ये ऊपर वाला ढक्कन खोलना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम खोल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं मल्टीमीटर है दोस्तों, इसको हम DC 20 वोल्ट पे इसको हम लगा देते हैं। देख सकते हैं हम इसको दोस्तों 20 वोल्ट पे लगा दिया है, और चलिए इसको हम 3.3 वोल्ट चेक कर लेते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं। देख सकते हैं 1.64 वोल्ट दे रहा है। फ्रेंड्स, देख सकते हैं 1.64 वोल्ट दे रहा है। तो दोस्तों, मेरे पावर सप्लाई इसको मदरबोर्ड को 3.3 वोल्ट नहीं सप्लाई कर रहा है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस पावर सप्लाई को चेंज कर देना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला पावर सप्लाई है, इसको चेंज कर देना होगा, और ये नया पावर सप्लाई है मेरे हाथ में, देख सकते हैं आप लोग, इसको हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो कैसे इंस्टॉल करना है मैं पूरी वीडियो में प्रोसेस बता दूंगा। दोस्तों, आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कर लीजिए। दोस्तों, इसी तरह मेरे यूट्यूब पे कई वीडियो है, आप लोग जाकर देख सकते हैं कि डिश के बारे में बहुत सारे वीडियो है मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि मेरा ये पावर सप्लाई चेंज करना बहुत ही आसान है दोस्तों। चलिए इसको हम चेंज कर लेते हैं। नोट बोल्ट बहुत ही आसानी से खोल लीजिए आप लोग, देख सकते हैं खुल गया है, और ये AC वाला वायर को यहाँ से कट करके हटा दीजिए, और देख सकते हैं ये 5 वायर है, इसको बहुत ही आसानी से निकलना है दोस्तों। यहाँ पे 6 वायर है, 6 वायर को बहुत ही आसानी से निकाल देना है, और ये पुराना ये वाला नया पावर सप्लाई है, इसको उधर हटाकर इसको हम इंस्टॉल करेंगे। तो कैसे इंस्टॉल करना है आप लोग देखिए, बहुत ही आसानी से यहाँ पे इसको लगाकर दोस्तों इसको फिर से वही करना है, नट बोल्ट नोट यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर से कस लीजिए। देख सकते हैं मैंने कैसे इसको लगा दिया है, बहुत ही आसानी से लग जाता है दोस्तों यहाँ पे। देखिए, और ये वाला, ये दोस्तों 6 वायर है, ये मदरबोर्ड में लगता है, कैसे लगाना है देख सकते हैं। ये वाला ये आगे की तरफ रहेगा, देख सकते हैं बहुत ही आसानी से इसको लगाना है, ये 5 वायर में, 6 वायर दोस्तों, 6 वायर है, इसको बहुत ही आसानी से लगाना है। देख सकते हैं मैंने 6 वायर को मदरबोर्ड में डाल दिया, लूज नहीं करना है दोस्तों, नहीं तो कट कट के सिग्नल आएगा। और ये AC वायर है दोस्तों, देख सकते हैं इसको मैंने सोल्ड नहीं किया, केवल वायर को लगा दिया है। ये दोनों वायर है, AC वाला ग्राउंड और प्लस। तो दोस्तों, नेगेटिव पॉजिटिव लग गया है मेरा वायर AC वाला, और इसको हम सेलो टेप मार देते हैं यहाँ पे।
देख सकते हैं, इसको बहुत ही आसानी से मारना है दोस्तों, नहीं तो करंट लग जाएगा। इधर उधर नहीं करना है फ्रेंड्स, देख सकते हैं बहुत ही आसानी से लग गया। अब इसको हम चेक करके देख लेते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, फाइनली मेरा ये सेटअप बॉक्स ठीक हो गया है। देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये ठीक हो गया। चलिए दोस्तों, अब इसको हम फिर से चेक कर लेते हैं कि वोल्टेज सही दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो हम इसको एक ग्राउंड पे डाल देंगे, ये ब्लैक वाला दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ये एल्टीना वाला ग्राउंड है दोस्तों, यहाँ पे डाल देते हैं। और देखिए 3.35 वोल्ट दे रहा है, मेरा सेटअप बॉक्स सही हो गया है। पहले वाला पावर सप्लाई में दे रहा था दोस्तों 1.64 वोल्ट, और इसमें 3.35 वोल्ट दे रहा है। देख सकते हैं ये मेरा सेटअप बॉक्स ऑन हो गया। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करते। मिलते हैं अगले वीडियो।